ऑक्टोपस दिखाते हैं आपको, ये देखिए जिंदा ऑक्टोपस नहीं है, लेकिन जो सॉस है वो जो प्याज में था वो सेम सॉस यहाँ पर भी है। लीजिए आपको पोर्टो विहो की सड़कें दिखा देता हूँ। अभी अभी हॉस्टल से निकला, पीछे मेरा हॉस्टल है और ये शायद फूड ब्लॉग होगा अगर मुझे खाना मिल जाता है ढूंढने के लिए तो। झोले के एक और बाकायदगी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए नाम जो लिख रहा है पोर्टो विहो, पोर्टो विहो करके, जैसा भी कई बार बोल चुका हूँ मैं। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है बट भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पहले भूख लगते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है, क्या करने को है क्या नहीं। बीच साइड जरूर ऑब्वियसली जाएंगे बट ये शायद ये वाला जो वीडियो है ये मोस्ट लाइकली आपका एक फूड वीडियो होने वाला है। थोड़ा गलियां को दिखाते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा खाने को। हॉस्टल में से मैंने एक दो पूछा है रिकमेंडेशंस, तो देखते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं कुछ मिलता खाने को तो अच्छा कुछ तो दिखाते हैं। और एक भाई एक और अलग ही भाई पूरा कैश ले लिया भाई ने, तो मतलब जितना भी मैंने थोड़ा बहुत कैश निकाला था अगर आपको ने को बताया, मैंने वहाँ से एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट सारा कैश खत्म हो जाएगा। तो पहले एटीएम में थोड़ा कैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही थोड़ा सा, तो ये ऑलमोस्ट एक लाख है मैंने यहाँ ये लोकल करेंसी निकाली थी, जैसे मैंने आपको बताया था 60,000 टाइप से इन भाइयों ने ले लिया, तो बचे ही नहीं मेरे पास कुछ, तो देखना पड़ेगा। तो पहले कुछ खाने का ढूंढते हैं, पहले एटीएम ढूंढते हैं उसके बाद फिर खाने का ढूंढेंगे। गलत था, मुझे नहीं लगा था कि कैश लेंगे, बट कैश ले लिया भाइयों ने, बड़ा अजीब से लगा मेरे को भाई, तुम ऑलमोस्ट 60-70 US डॉलर जो है कैश में गए, बट हाँ आप क्या कर सकते हैं। गोवाई सा हाल आपका पोर्टो पोर्टो विहो में, जैसे मैंने बोला था कि एक फूड वीडियो बनाने वाले हैं, बट उम्मीद नहीं थी हमें कि हम कोस्टा रिका में आकर करेबियन फूड सबसे पहले बनाने, पहला फूड वीडियो शायद तक आ रहा है करेबियन फूड का, वो भी इनफैक्ट एक करेबियन रेस्टोरेंट। मुझे याद आ रहा कि मैंने सिंगापुर में जब मैं कंट्री फूड सीरीज़ बना रही थी, मैंने करेबियन फूड आपको दिखाया था, और करेबियन फूड, अब करेबियन कोस्ट में आ चुके हैं, तो करेबियन फूड उम्मीद नहीं थी, मतलब चाहता नहीं था मैं आपको करेबियन फूड दिखाऊं, लेकिन ये जाना पहचाना नाम लगा। हॉस्टल वाले बंदे ने बोला था मेरे को कि आप तमारा करके रेस्टोरेंट आ जाते थे, तो मैं जो दिखाई पड़े इतना, तो चलिए भूख बहुत तेज़ लग रही है, दोपहर के 3:45 बज गए हैं। और हमने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर किया आपका ऑक्टोपस, ऑर्डर किया आपका करेबियन सॉस में। उम्मीद करता हूँ मैं शायद जिससे पहले भी गए थे एक, शायद आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो इंस्टाग्राम पे मैंने आपका एक ऑक्टोपस दिखाया था, पहली मील जो थी मेरी सैन होजे में आकर वो थी आपकी ऑक्टोपस, शायद सेम सॉस ये भी होना चाहिए आपका करेबियन सॉस, मुझे थोड़ा सा और लग रहा होता है सामने वाली स्क्रीन में शक्ल दिख रही होती है, यूज तो नहीं हुआ है। तो करेबियन सॉस का ऑक्टोपस ऑर्डर किया है, 8,000 कलोन की कीमत, यानी कि आपकी 1,000 कलोन की कीमत है। कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, श्रिम्प वगैरह सवीचे वगैरह दिखते हुए मेरे को, जो कि मुझे याद आता कि मैं पेरू में काफ़ी खाया था। उसके अलावा देखिए इनके पास राइस और बीन्स साथ में आता है, ये फ्रेंच फ्राइज के साथ। दूसरा ऑप्शन था आपका पेटाकोनीस, जो कि आपका इस तरह से तले हुए केले हैं साथ में, वो हमने ऑर्डर किया हुआ है। और साथ में इन्होंने हमने उसको पूछा कि पीने के लिए क्या है, तो एक पाइनएप्पल जूस, तो पाइनएप्पल जूस और साथ में आपका करेबियन सॉस में ऑक्टोपस। देखते हैं कैसा है पहला फूड वीडियो करेबियन धरती से आपका, क्या कहते हैं कोस्टा रिका की। माहौल थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है, जनता भी अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैं तो बोल के नहीं देख रहा हूँ मैं, लेकिन आप पता नहीं, मैं शायद कोस्टा रिका से उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह की शक्ल वाली जनता दिखाई पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा वैसा जो करीब आपका करेबियन, जैसे आपका वेस्ट इंडीज़ हो गया या डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, ये सब वाली जो देश है ना, वैसी शक्ल वाली जनता यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ती हुई रहता था ना, आपका मेक्सिकन सो कॉल्ड वैसी शक्ल वाली जनता नहीं, मतलब कि थोड़ा शेड जो है वो थोड़ा गहरा शेड होता हुआ यहाँ का जनता का रहता था ना, आपका थोड़ा हमारी तरह की शेड वाली जनता का, हमारा मतलब मेरी तरह वाला, हमारी मतलब मेरी, मतलब हम और मैं, मतलब समझा करिए हम लोग कभी कभार। साइकिल बड़ी बेहतरीन दिखती हुई सामने, साइकिल से जनता घूमती हुई, बिलक आते हैं थोड़ा खाना आता है तो आपको खाना भी दिखाएंगे। और मतलब शायद सॉस थोड़ा सा अलग था, इसलिए मुझे लगा कि कुछ नया दिखाना है, तो पहले वीडियो में कुछ नया आपको दिखाते हैं, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए भाई, मतलब उम्मीद है गोप्रो से, मतलब वैसे पहले वाले मैंने वीडियोज़ में आवाज़ देखी तो आवाज़ काफ़ी सही आ रही है। तो करीब है खाना आता है फिर आपको दिखाते हैं, पकड़ ज़्यादा कर लिया हमने। देखिए जो पहला एक्सपीरियंस है कुछ ज़्यादा ही इसमें, देखिए हमने बोला जैसे पाइनएप्पल जूस, हमने पहला पाइनएप्पल जूस मंगाया था, बहुत ज़्यादा बर्फ है भाई ओके बहुत ज़्यादा बर्फ है, थोड़ी सी शायद शक्कर भी ज़्यादा लग रही है मेरे को, उम्मीद नहीं थी मेरे को कि ये कहते हैं इतना ठंडा और इतना मीठा हो जाएगा,
पाइनएप्पल की दुनिया में रहते हैं, ऊपर से भी शक्कर और मीठे बर्फ पिला रहे हैं, बट बांस के आपको ये दिखाई पड़ते हुए, बांस के रास्ते में मैंने थोड़ी बहुत ही बांस की थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की क्या कहते हैं मतलब जंगल दिखाई पड़े, तो शायद बांस का थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा उपयोग यहाँ पर। और मैंने शायद एक वीडियो में देखा जहाँ पे स्ट्रॉ भी इन्होंने बांस की बनी हुई दी थी, तो शायद बांस का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता हुआ कुछ कुछ। तो इन्होंने सॉस भाई साहब ये सब तो उम्मीद नहीं थी मेरे को, लेकिन अब टमाटर का सॉस और साथ में मेयोनीज भाई साहब, हाइंज यहाँ भी पहुँच गया, अमेरिकन ब्रांड यहाँ भी पहुँच गया, तो देखना बड़ा अजीब सा दिखता हुआ पाइनएप्पल जूस हमारा। थोड़ा थोड़ा चखते रहते हैं खाना, था फिर आपको खाना दिखाते हैं। देखिए जी हमारा करेबियन सॉस का ऑक्टोपस आ गया है। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तले हुए, कुछ ज़्यादा ही तले हुए हैं ये, आपके तले हुए केले, साथ में थोड़ा सा ये इन्होंने सैलड दिया है मुझे, मूली के पत्ते दिख रहे हैं, थोड़ा सा कैबेज दिख रहा है, खीरा दिख रहा है, उसके ऊपर इन्होंने एक सॉस डाला हुआ है, प्याज हैं, और नीचे ये आपका भाई का ऑक्टोपस है, छोटा सा ऑक्टोपस। सबसे पहले काम करेंगे आपका, रुकिए सबसे पहले प्लांटेन खाते हैं, प्लांटेन जिसे कह रहे हैं ये, और हम केले की पकौड़ी भाई, बहुत ही प्लेन, इसमें तो नमक भी नहीं पड़ा हुआ है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ मैं तले हुए इस तरह के पकौड़ों को, तो सो ही समझ लेता है। खीरा खाते देखे, खीरे के ऊपर ये कौन सा सॉस रहा हुआ था, बट ठीक है हल्का सा टैंगी फ्लेवर आता हुआ। ये जो प्याज आते सबसे आखिरी में आपका और ऑक्टोपस आएंगे, या फिर थोड़े से कैरमलाइज करके लग रहे हैं, देखते हैं बार। देखिए भाई तो सेम सॉस यूज़ किया गया आपका इसमें ऑक्टोपस में भी, और ऑक्टोपस दिखाते हैं आपको, ये देखिए जिंदा ऑक्टोपस नहीं है, लेकिन जो सॉस है वो जो प्याज में था वो सेम सॉस यहाँ पर भी है। तो एक बार एक काम करते हैं ना, अच्छा सा देख रहे हो साइज छोटा है, बट एक काम करेंगे कैमरा रख देते हैं नीचे, थोड़ा सा चुई ज़्यादा हो गया, मैं लगता है जितना मैंने लाइव ऑक्टोपस खाया था उसका जितना च्यूनेस थी ऑलमोस्ट वैसी ही, उतनी ही च्यूनेस। और 1000 रुपये मुझे लगता है कि महंगा है, मुझे लगता है मैं हर समय अब जजमेंटल हो रहा हूँ हर चीज़ को लेकर, कि मुझे लग रहा है ये महंगा देश है और महंगा निकलता जा रहा है। जो सॉस थोड़ा हट गया, मतलब मुझे ऐसा फील आ रही, मैंने उस दिन भी ट्राई कर रहा जब तो ऐसे फील आ रही, जैसे इमली का काफ़ी उपयोग है जिस कारण जो खट्टापन है वो मैं एक बार पास ही करता हूँ। इसमें ये जो सॉस है वो काफ़ी इसमें इमली का प्रयोग लगता है मेरे को, इसे थोड़ा खट्टापन ज़्यादा लग रहा है, बट ये उस दिन मुझे जो मैं पहले खाया था वो ऑब्वियसली इसे इसका लगभग 2.5 गुना दाम था उसका, बट उसका टेस्ट जो था वो इससे ज़्यादा बेटर था। बट चलिए शुरुआत हुई है करेबियन फूड की, कोस्टारिकन फूड की वीडियोस की, ढूंढेंगे हमें भी, मतलब ये फ़िलहाल तक मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक खाना है, बट शायद तक अगर मिलता है तो हम आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी देखने की कोशिश करेंगे कि, बट तले हुए केले, ऑक्टोपस, प्याज, करेबियन सॉस आप, और पानी युक्त बर्फ युक्त पाइनएप्पल सो जूस सो पर। चलिए मैं उसको खाने में टाइम लग गया तो, बट आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से
और एक दो तीन चार पाँच छः छः केले के चिप्स, केले के पकौड़े और साथ में ऑक्टोपस। चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं। भूख लग रही है ज़्यादा और अभी थकान भी थोड़ी सी ज़्यादा शायद तक है। लंबा सफ़र जैसे कि आपको मैंने से पहले वीडियो देखा, पाँच छः घंटे का लंबा सफ़र था। तो चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलता अगली बार आप लोगों सफ़र ना मैं तब तक खाइए वाला घूमिए वाला। उम्मीद करता हूँ मैं क्या कहते हैं अच्छा खाना दिखा पाऊंगा मैं आपको कोस्टा रिका से, कुछ अलग सा दिखा पाएगा देसी झोला इंसान कोस्टा रिका की तरफ से। आके आगे देखिए टुक टुक खड़ा हुआ भाई पानी पीते हुए और टुक टुक खा के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं।